भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जिला नांदेड़ से, महाराष्ट्र से एक रत्नाकर विनायक राव लोढ़े जी हैं, इनका प्रश्न है। प्रश्न बड़ा गंभीर है, सार्वजनिक है, प्रायः लोग पूछते रहते हैं और बहुत से लोगों को इस विषय में विचिकित्सा यानी संदेह रहता है। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि शिवजी के मंदिर में चढ़ाए गए नारियल, फल, वस्त्र आदि हम लोग ग्रहण कर सकते हैं? हम उसके पुजारी हैं, मार्गदर्शन करें, प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, इस विषय पर आप श्रवण करें कि क्या शिवजी का निर्माल्य लिया जा सकता है और निर्माल्य में भी क्या क्या वस्तु ली जा सकती है? क्या शिवजी पर कोई रत्न का हार चढ़ा गया या कोई वस्त्र आदि चढ़ा दिए गए, वे भी नहीं लेना चाहिए कि फल पुष्प ही नहीं लेना चाहिए? किन किन शिवलिंगों का ग्रहण करने योग्य है, किन किन का ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या क्या संभार ग्रहण करने योग्य है, क्या क्या संभार ग्रहण करने योग्य नहीं है, और जिन शिवलिंगों का निर्माल्य ग्रहण करने योग्य नहीं है तो उसका क्या किया जाए, उस निर्माल्य का क्या होगा, इसका उत्तर हम देंगे आपको। ये प्रश्न बतला रहा है। और शिवजी का निर्माल्य क्या ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिया जा सकता है, अथवा कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं, कौन कौन नहीं ले सकते हैं, तथा किस किस अवस्था विशेष में ले सकते हैं, किस किस परिस्थिति विशेष में कौन कौन शिवलिंग का निर्माल्य ग्रहण कर सकता है, इस विषय पर आप विस्तार पूर्वक श्रवण करें। देखिए, ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, विस्तार तो बहुत है हर विषय का हमारे यहाँ, परंतु आपको इस विषय को पूर्ण रूप से अवगत कराने की पूर्ण चेष्टा करेंगे। देखिए, शिव महापुराण में, निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में, यानी कि पुराणों में और निबंध ग्रंथों में निर्माल्य पर ग्राह्य विचार विशेष रूप से है, तो उस विषय को देखते हुए विचार करेंगे। देखिए, यद्यपि भगवान शिव जी का निर्माल्य, इसकी महिमा भी है, इतनी महिमा है कि दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता, शिव जी पर चढ़े हुए पत्र पुष्प फल आदि का दर्शन करने मात्र से और पुण्य का भाजन बनता है व्यक्ति। देखिए, विश्वेश्वर संहिता शिव महापुराण, दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। कह रहे हैं कि खाने की तो बात छोड़िए, अगर शिव निर्माल्य दर्शन कर ले कोई तो पापिनः, ना कोई पापी व्यक्ति दर्शन कर ले तो पापानि दूरतः यान्ति, वे पाप दूर चले जाते, दूर से ही उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। भुंगते तो शिव नैवेद्य पुण्यानि आयांति कोटिशः, शिव नैवेद्य भुंगते, भगवान शिव का निर्माल्य जो है पाने पर, खाने पर, उसको ग्रहण करने पर कोटिशः पुण्यानि आयांति, करोड़ों पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो शिव निर्माल्य की इतनी महिमा भी है, परंतु ये शिव निर्माल्य किनके लिए ग्राह्य है, अब इस पर विचार करें। हम लोग तो केवल दर्शन करें, जो इसके अधिकारी नहीं है, अधिकारी कौन है देखिए, और अनधिकारी कौन है, इस पर चर्चा करते हैं। शिव दीक्षा निमित्तो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेशामपि लिंगानां नैवेद्यं भक्षयेच्छुभम्।
शिव जी की जिन्होंने दीक्षा ले ली है अर्थात शैवी दीक्षा से संपन्न जो जीव जो लोग हैं वे भगवान शिव का निर्माल्य ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात जिन लोगों ने शिव जी की दीक्षा ले ली है वे किसी भी लिंग का निर्माल्य ग्रहण कर सकते हैं। सर्वेषाम अपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम, उनके लिए शिव जी का निर्माल भक्षण करना शुभ है ये बतलाया गया है। और देखिए शिव जी का निर्माल्य कोई भी शिवलिंग हो, कोई भी, चाहे वो जो है ज्योतिर्लिंग हो या पार्थिव लिंग हो या किसी के द्वारा स्थापित हो या सिद्धेश्वर लिंग हो, कैसा भी हो, अगर उस लिंग के साथ भगवान शालक ग्राम का भी अर्चन कर दिया जाता है तो फिर वहां से शालक ग्राम शिवलिंग का स्पर्श दोनों का हुआ तो उसमें जो लगने वाला भोग लगने वाला या जो भी निर्माल्य है वो सब ग्राह्य हो जाता है। ये भी विश्वेश्वर संहिता शिव महापुराण 22:19 देखिए, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। धर्म सिंधुकार ने, निर्णय सिंधुकार ने भी इसको लिखा ही है। शिव नैवेद्यम अग्राह्यम, जो शिव जी का नैवेद्य अग्राह्य है, क्या क्या, पत्रम पुष्पम फलम जलम, यहां भी विशेष ध्यान देना, शिव जी का निर्माल्य केवल इतना ही अग्राह्य है, पत्र पुष्प फल और जल चार चीजें, इनके अलावा कोई और है तो वो ग्राह्य हो जाता, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। पर ये भी पत्र पुष्प फल जल भी शालग्राम शिला संगात या स्पर्शात, शालग्राम शिला का स्पर्श हो जाए पत्र पुष्प जल से तो सर्वम पवित्रताम याति, तो वो सब पवित्र हो जाता है और सभी के लिए सर्वदा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है। अन्यथा अनर्हम, भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, शिव जी का निर्माल बोले मेरा निर्माल हर व्यक्ति न लेवे, ये भगवान शंकर की ही आज्ञा है। अनर्हम मम नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम मह्यम नैवेद्य सकलम कूप एव विनिक्षिपे, कूप एव विनिक्षिपे यानी कूपे विनिक्षिपे, हमारा जो निर्माल्य है पत्र पुष्प फल जल उसको हर व्यक्ति ग्रहण न करे, उसको लेकर के एक कुएं में डाल दिया जाए, ये भगवान शंकर कह रहे हैं पद्म पुराण में, पद्म पुराण का वचन है जी। तो अब देखिए जैसे मैंने कहा हुआ था अभी कि पत्र पुष्प फल और जल को छोड़ करके यदि कोई भगवान शंकर पर भूमि अर्पण करता है कि भाई हमने ये खेत लगाया भगवान शंकर के मंदिर में, है ना, कोई स्वर्ण चढ़ाता है, कोई व्यक्ति गाय रत्न या कोई, है ना, और वस्त्र आदि उपहार भेंट करता है भगवान शंकर को समर्पित करता है तो वो ग्राही है या ग्राही है, तो उनके जो भी सेवक हैं तो वे इन संभारों का संग्रह कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, धरा हिरण्य गो रत्न ताम्र रौप्यांशुकादिकान विहाय शेषम निर्माल्यम चंडेशाय निवेदये। ध्यान दीजिएगा, धरा यानी पृथ्वी, हिरण्य माने सोना, गौ रत्न माने कोई भी किसी भी प्रकार का रत्न आदि है जो भी, ताम्र रौप्य, ताम्र रौप्य माने चांदी इत्यादि जो भी धातुओं के संभार हैं, और अंशुकादिकान, अंशुक माने होते वस्त्र जो भी समर्पित किए गए हैं, इन सबको छोड़ करके, विहाय इनको छोड़कर, शेषम निर्माल्यम बाकी का बचा हुआ पत्र पुष्प फल जल है वो चंडेशाय निवेदये, वो चंडेश को समर्पित कर देना चाहिए। तो भाई चंडेश कौन है, तो चंडेश जो होते हैं वो भगवान शंकर के एक गण हैं और वे चंडेश ही भगवान शंकर के निर्माल्य के परमाधिकारी हैं, उन्हीं को वो दिया जाता है और कोई न लेवे,
शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्र पुष्प फल और जल आदि हैं, वे सब लेकर के चंडेश्वर पर समर्पित कर देना चाहिए। चंडेश की स्थापना भी शिवलिंग के स्थापन के समय पर करने का विधान है, वो भी स्थापित किया जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवी ही। यत्र चंडाधिकार अस्ति, जहां चंड का अधिकार है, वहां उस निर्माल्य का कोई भी मानव ग्रहण न करे, मानव के द्वारा वो सब उपभोगनीय उपभोग्य नहीं है। और जहां चंड का अधिकार नहीं हो वहां कोई वहां ले सकते। देखिए ये भी शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 22:16 कि चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः, यत्र चंडाधिकार न तत्र भक्तितः भोक्तव्यम, जहां चंड का अधिकार नहीं है वो भक्ति पूर्वक ग्रहण करने योग्य है। तो चंड का अधिकार कहां कहां होता है और कहां नहीं होता है, अब ये प्रसंग हो गया कि भाई किन किन शिवलिंगों पर चंड का अधिकार है और किन पर नहीं है, ये बतलाई। तो देखिए ये भी शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 22 में अध्याय में है, बाण लिंगे च लौहे च सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवे। इतनी जगह पर चंड का अधिकार नहीं होता है, बाण लिंगे यानी नर्मद लिंग पर, नर्मदेश्वर पर, लौहे च, लौह माने है धातुमयी, कोई भी धातुमय जैसे स्वर्णिम सोने का या चांदी का या पारद का जो शिवलिंग है ऐसे, या सिद्धलिंग किसी महान सिद्ध के द्वारा स्थापित या किसी श्रेष्ठ राक्षस आदि के भी द्वारा भी स्थापित, किसी देवता के द्वारा पूजित प्राप्त या स्थापित, या किसी प्राचीन काल से देवताओं के द्वारा स्थापित जो भी शिवलिंग है, सिद्धों के द्वारा जो शिवलिंग है वे, और स्वयंभू भी, और जो स्वयंभू लिंग है ज्योतिर्लिंग आदि ये, तथा प्रतिमा सूचक, और वे दूसरे सभी प्रतिमाएं यानी शिवलिंग की जो भी भगवान शंकर की जो भी प्रतिमाएं हैं जो साकार मूर्ति हैं उनका भी जो निर्माल्य है उस पर भी चंड का अधिकार नहीं है, न चंड अधिकृता भवे। इन निर्माल्य पर, इन सभी शिवजी के पूजित लिंगों के निर्माल्य पर, जल पुष्प फल आदि पर भी चंडेश्वर का अधिकार नहीं है, अर्थात इन शिवलिंगों का चढ़ा हुआ निर्माल्य पुष्प फल जल आदि सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। ये बात आप समझ में आई। और देखिए एक और विशेष बात है कि जो इसमें से अब कितने बचे, एक तो पार्थिव लिंग बच गए मिट्टी के बनाए हुए, अथवा और भी आजकल जहां भी जिसके द्वारा भी हम और आप किसी के भी द्वारा जो भी शिवलिंगों की स्थापना है ना, जो भी शिवालय बने हुए हैं उन शिवलिंगों में चंडेश्वर का अधिकार है, तो ऐसे शिवलिंग पर भी एक विशेष प्रक्रिया है, यानी कि वो संभार भगवान शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ होना चाहिए, अलग से भोग लगा दिया गया है, अलग से निवेदन कर दिया गया है, तो वो अन्न पत्र पुष्प फल जल भी ले सकते हैं। देखिए लिंगो परिचय यद द्रव्यम तद ग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम च तज्ञेयम यज लिंग स्पर्श बाह्यता। लिंगो परिचय यद द्रव्यम, यद द्रव्यम लिंगो पर जो द्रव्य लिंग के ऊपर समर्पित कर दिया गया है, तत् अग्राह्यम मुनीश्वरा, ए मुनीश्वरा वो सब अग्राही है शिवलिंग का, अगर जिस वस्तु से संभार से अन्न पत्र पुष्प फल जल से स्पर्श हो गया है तो वो जो है ग्राह्य नहीं है इन लिंगों का, जिनका जो है नहीं किया गया उनका। और यदि लिंग का स्पर्श या लिंग स्पर्श बाह्यता, जो लिंग का स्पर्श से बाहर है अर्थात जिनका लिंग का स्पर्श नहीं हुआ है, तो उन संभारों को भी लिया जा सकता है। इसलिए यत किंचित दुपचारम ही लिंगो पर निवेदये तन निर्माल्यम महेशानी अग्राह्यम परमेश्वरी। तो जो भगवान लिंग पर
शिवलिंग पर समर्पित कर दिया जाता है, और जो भी पार्थिव लिंग या ये जो है पाषाण लिंग जो भी स्थापित लिंग हैं उन सब के निर्माल्य को चंडेश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए, वो अग्राह्य है, ये बतलाया जा रहा है। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि ये जो भी एक तो शिव जी की दीक्षा जिन्होंने ले ली है वो सबका शिवलिंग का प्रसाद ले सकते हैं, बाकी का और जो संभार है पत्र पुष्प फल जल को छोड़ करके नैवेद्य को छोड़ करके औरों को ग्रहण किया जा सकता है, तथा जो साकार मूर्ति हैं या जिनका शिव का और शालग्राम का स्पर्श हो गया है अथवा जो सिद्धों के द्वारा स्थापित हैं या ज्योतिर्लिंग हैं तो इनका भी निर्माल्य सबको ग्राह्य है। इनके अलावा पार्थिव लिंग या जो ये ऐसे जो शिवलिंग हैं पाषाणमय जो भी हम देखते हैं शिवालय, तो उन सबका निर्माल्य उनके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा शिवजी का निर्माल ग्राह्य है, ये बात हुई। तो शिवजी के मंदिर वालों को जैसे आपने पूछा था कि नारियल फल पुष्प इत्यादि जो साहब चढ़ाए गए हैं उनको हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके यहाँ कैसे शिवलिंग की स्थापना है, और यदि वो शिव निर्माल्य में आता है वो शिवलिंग तो उसके ऊपर न चढ़ाया गया उसको आप ले सकते हैं, अन्यथा उन पत्र पुष्प फल जल को तो आप जो है चंडेश्वर को निवेदन करें, वहां चंड की स्थापना करें और चंड को वो समर्पित करें, और फिर चंड से वहां से हटा करके, वो तो हटाना ही है फिर मंदिर में, चंड को समर्पित करें और वहां से हटा करके किसी कूप आदि में या शुद्ध स्थान पर या नदी आदि में वहां उसको विसर्जन करें। यही शिव निर्माल्य की विशेषता है। शिव निर्माल्य का कभी भी अपमान न करें, ध्यान देना, शिव जी के निर्माल्य का, भगवान शंकर का निर्माल्य पड़ा हुआ था और गंधर्व वहां से उड़ करके जा रहे थे और वो नीचे पड़े हुए शिव निर्माल्य का उल्लंघन हो गया विमान में बैठे हुए गंधर्वों के द्वारा, तो वे गंधर्वों का विमान वहीं नीचे गिर गया और वे पुष्पदंत इत्यादि जो भी गंधर्व हैं उन्होंने फिर गिर करके फिर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की, शिव महिमा स्तोत्र है उनका, तो ये आता है। इसीलिए शिवजी पर चढ़ा हुआ जो जल है वो प्रायः वो जलहरी जो होती है वो उत्तर की ओर होती है, उत्तर मुख होता है उसका, तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसीलिए शिवजी की आदि परिक्रमा का विधान है, क्योंकि शिवजी का निर्माल है, शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, उनका स्नान किया हुआ जल वो जो बह करके जा रहा है तो उसको आप लांगेंगे तो पुण्य की जगह पर आपको पातक लग जाएगा, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वो प्रणालिका भी कहते हैं उसको, तो प्रणालिका तक जा करके और फिर वहीं तक आकर के ऐसी आदि परिक्रमा का ही शिवजी की विधान है, इसलिए ये शिवजी का निर्माल्य ही है, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता, इसीलिए वो प्रणाली नहीं लांघी जाती है। कहीं कहीं लिखा है यदि प्रणाली वो गुप्त कर दी गई हो, अंदर हो, दिख नहीं रही हो, ढक दी गई हो और उसके ऊपर व्यवधान नहीं हो रहा हो तो जा सकते हैं, ऐसा भी है। जैसे पार्थिव लिंग किसी ने बनाए और या चल विग्रह हैं जिनकी प्रणाली नहीं जा रही है, किसी पात्र आदि में ही रख करके जो चल विग्रह होते हैं तो उनका पूजन कर रहे हैं तो उनकी पूरी एक परिक्रमा लगाई जा सकती है। तो ये यही बात है, तो शिव निर्माल्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो शिव निर्माल्य शिव जी पे से उतरा हुआ चंडेश्वर को समर्पित करके और शुद्ध पवित्र स्थान पर डालें, यही मुख्य कर्तव्य है। हर हर महादेव।